एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं, क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। दो कारणों से, एक तो उसे ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है, दूसरा ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। मैं किसी ऐरे गेरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं। तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे में बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक न हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है। उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था, आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था। तो उसने सोचा आज तो झोली फैला के सामने खड़ा हो जाऊंगा, आज तो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वो अपने मन में विचार करने लगा क्या मांगू क्या न मांगू, और सोचता ही था कि रथ आके सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा के रह गया, उसकी कल्पना में भी न था जो हो गया। राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा, और कभी जीवन में कल्पना भी न की थी कि मुझसे भी कोई मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकाल लेता था, हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल के दाने दे दूं। देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी, दिया कभी था ही नहीं, हमेशा मांगा था। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी देना पड़ेगा, ऐसा पहाड़ भी सिर पर गिरेगा कि देना पड़े। तो मुट्ठी बांधता था, छोड़ देता था। राजा बोला जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। आज तो राजा ने कहा कि मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल उसने एक दाने को निकाला, एक दाना चावल का, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा बैठा और चल पड़ा, रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया, मांगना था वो तो मांग ही नहीं पाए, और एक दाना और घर चला गया। उस सांझ दिन भर उसने भीख मांगी लेकिन मन दुखी रहा, एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी, आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त दुखी था, एक दाना कम था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा तो कहा इतने उदास, आज तो झोली पूरी भरी है, इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा झोली पूरी भरी दिखती है, थोड़ी खाली है, एक दाना कम है, एक दाना आज देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा और पाता रहा। मेरे प्राण ही खिसक गए थे, मेरी सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी में उलझ गया था। उसने अपनी झोली उलटाई, अब तक तो दुखी था, फिर छाती पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, एक चावल का दाना सोने का हो गया था। और तब वो छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूं, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी, तो आज सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था और रोज राजा रथ पर मिलता नहीं सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूं केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा कर देखता है तो पाता है थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे। प्रार्थना का अर्थ है ऐसा जीवन जो देने का जीवन है, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ बातें करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो देने का जीवन है, पाने का जीवन नहीं। जिसके जीवन में जितना दान है, समग्र भूत अपने प्राणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का,
उसका जीवन उतना ही प्रार्थनापूर्ण है।